Hello students! Good morning to all and welcome back on your channel Grow Together and welcome in the series for the IPM program. So this video is for those students who are preparing for the IPM program. So guys, I know you are preparing for the IPM the IPM Indoor, and GIPMET exam. So along with these exams, you can fill the form because IFT started uh, the program uh, Integrated Program in Management. That means IPM. So in this video, I will I, I'll clear all your doubts. Ki, like your uh, eligibility criteria,

इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट बीबीए प्लस अभी इनका अपना कैंपस नहीं है काकीनाडा वाला तो टेम्परेरी कैंपस जो होगा जे एन टी यू के अंदर जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर यह प्रोग्राम आपका स्टार्ट किया जाएगा टेम्परेरी कैंपस है ठीक है तो सबसे पहले वॉट इज द एडमिशन प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस सिंपल जो आपका आईपीएम बाकी के लिए है आईपीएम इंडोर रोहतक के लिए कैंडिडेट शुड है रिजर्व कैटेगरी एस सी एस टी पीडब्लू डी एंड ट्रांसजेंडर और आपका जो ट्वेल्थ पास है या तो आप ट्वेंटी ट्वेंटी से पहले के पास आउट नहीं होनी चाहिए या तो आप 22 में कर रहे हो या फिर ट्वेंटी टू या ट्वेंटी वन में पास आउट हो चुके हो 2020 से पहले अगर आपने 12th किया है में में आपका 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 60% होना चाहिए, 55% आपका reserve category में, and आपका जो 10th है वो 2018 से पहले आप pass out नहीं होने चाहिए, ठीक है? 2018 या उसके बाद का आपका ट्वेल्थ होना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है इसमें मैथमेटिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन प्लस टू लेवल इज मैंडेटरी है ये बाकी के 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 लिए, लिए, लिए इनके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको आई एफ टी में आईपीएम प्रोग्राम के लिए आप एडमिशन लेना चाह रहे हो देन मैथमेटिक्स इन बिजनेस मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन टेन प्लस टू इज मैंडेटरी तो आप तभी फॉर्म को फिल करिएगा अगर आप में अगर आपके पास है तो। सेकेंड इज अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें अ कैंडिडेट शुड बी शुड हैव बीन बोर्न ऑन द आफ्टर

किया जाएगा फॉर शॉर्ट लिस्टिंग आई एफ टी विल यूज द आईपी में ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई द आई एम इंडोर जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके थ्रू इसमें तो उसमें आईपीएम IPM इंदौर का आईपी मेट इंडोर का रजिस्ट्रेशन पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है तो अगर आपने वो मिस्टेक कियाके पास आई एम इंदोर का जो आईपी मेट इंडोर है

के लिए आपने एक्स्ट्रा फी दी मतलब अलग से फी दिया अब आप बोलेंगे एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट को वन थाउजेंड रुपीज आई एफ टी के फॉर्म के लिए फिल करना होगा सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन फी अब बच्चे अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि व्हाट आर द सिलेक्शन प्रोसेस तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप यहाँ पे देखिए आपकी जो मेरिट प्रिपेयर की जाएगी वो इन पैरामीटर्स पे होगा एंट्रेंस टेस्ट को वेटेज दिया जाएगा 78 परसेंट का जेंडर डाइवर्सिटी को टू पॉइंट मिलेंगे मेल को जीरो फीमेल के टू परसेंट एकेडमिक कंसिस्टेंसी के लिए ट्वेंटी पॉइंट कंसिस्टेंसी में उन्होंने बोला है अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 55, लेस देन सिक्सटी इक्वल टू सिक्सटी है तो आपको फोरसेंट यहाँ पे फोर पॉइंट मिल जाएंगे ठीक ठीक तो 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 है आपका 90 भी है 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 तो आपके 20 points होंगे, तो 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 अगर आपके 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 आपका भी भी या होंगे एंट्रेंस टेस्ट स्कोर के जो सबसे ज्यादा है ठीक है जेंडर डाइवर्सिटी फीमेल है तो टू पॉइंट्स एंड कंसिस्टेंसी के लिए आपके पास मैक्सिमम ट्वेंटी पॉइंट्स तो दीज आर द रेंज फॉर द एकेडमिक कंसिस्टेंसी तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो अगर आपके 90 परसेंट से ज्यादा मार्क्स है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है ठीक है तो आपको लेकिन एंट्रेंस टेस्ट स्कोर सबसे ज्यादा है तो आपको उसी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है नेक्स्ट पैरामीटर नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैम व्हाट आर द फी एंड एकोमोडेशन तो बच्चे जो कोर्स फी है फर्स्ट थ्री इस प्रोग्राम के लिए फोर लैख पर एन एम दैट मीन जब आप पीबीए करोगे तो आपका ट्वेल्व लैख हो जाएगा ठीक है ट्वेल्व लैख पर एन

आफ्टर थ्री इयर्स उस टाइम पे जो एम की आई प्रोग्राम की जो फी चल रही होगी वो उस टाइम पे आपसे चार्ज की जाएगी तो यहाँ पे आपके पास और हाँ ये जो प्रोग्राम है ये आप बाहर नहीं रह सकते आपको कैंपस में ही रहना होगा तो इसकी मतलब हॉस्टल कंपल्सरी है रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जो भी आपकी डिटेल होगी हॉस्टल वगैरह की वो आपको ऑफर जब आपका एडमिशन होगा जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा उसमें पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा ठीक है तो अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलो ट्वेल्व लैक में आपका बीबीए एंड उसके बाद एमबीए की उस टाइम के अकॉर्ड जो भी फी होगी एंड आपका होस्टल मेस फी का जो भी चार्जेस होगा ठीक है क्लियर है तो बच्चे ये था हमारा आईपीएम प्रोग्राम फ्रॉम द आईएफटी के लिए जो भी डिटेल थी आप फॉर्म फिल करिए फॉर्म बहुत सिंपल है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें फॉर्म में बट सेकेंड जून से पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आपको फिर भी फॉर्म फिलिंग में या किसी चीज में कोई डाउट आता है आप मुझे इस ई मेल पे मेल कर सकते हो ग्रो टूगेदर सिक्सटी एट जी मेल डॉट कॉम सो स्टेट यून एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द अपकमिंग एंड नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि आपके पास जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो आपके तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए विदाउट एनी डिले राइट क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती है जिसमें लास्ट डेट का मैं अनाउंसमेंट करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं ठीक है तो वो आपको न्यूज मिलती रहेगी सो थैंक यू सो मच गाइस टेक केयर थैंक यू